फुटपाथ के दुकानदारों ने किया आक्रोश, जताया आक्रोश और विरोध प्रदर्शन नगर निगम के खिलाफ। लगातार 8 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक फुटपाथ दुकानदारों के लिए हुआ बुरा वक्त, क्योंकि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय धनबाद आने वाले थे, आ भी गए और चले भी गए। अंततः नगर निगम ने ये वादा किया था कि जब महामहिम चले जाएंगे तब अब अपना दुकान जो है अपनी जगह पे लगा सकते हैं। मगर जैसे ही महामहिम वापस गए तब दुकानदारों ने अपना दुकान उसी जगह पे लगाना शुरू किया जहाँ पे वो लोग लगाते थे। राष्ट्रपति के दौरे के बाद फुटपाथ दुकानदार अपनी दुकान लगा रहे थे और निगम कर्मी धनबाद के हीरापुर पुलिस लाइन इलाके में उन्हें रोकने का प्रयास किया। दुकानदारों के भारी विरोध को देखते हुए निगम के पदाधिकारी और कर्मी बेरंग लौट गए। हमने का स्थायी दुकान दे, हम लोग का मांग है, हम लोग अपना व्यवस्था दे, हम लोग हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, 4 दिन के लिए आप लोग को हटाना है, उसके बाद फिर आप लोग दुकान लगाना है। इसके बाद अभी आ रहा हमारे पास फूड इंस्पेक्टर नगर निगम के, वो बोले कि नहीं लगा सकते हैं, आप लोग मीटिंग में आइए, ये आइए, आप लोग का व्यवस्था, आज हम लोग का 60 साल से व्यवस्था दे रहा है, अभी तक नहीं दिए है। हम लोग के सामने पशुपालन डीजे मस के जमीन है, जो हम लोग चिन्हित बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार लेटर दे चुके हैं, ऊपर तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका निर्णय नहीं निकला है। हम लोग चाहते है कि ये जगह जो चिन्हित जगह है इसमें हम लोग को दिया जाए, ऐसे दीक्षांत समारोह जो है बराबर होते आया है। हम लोग उसमें जो है बराबर प्रशासन को सहयोग किए हैं। अब प्रशासन हम लोगों से कहा कि 4-5 दिन के लिए आप सड़क खाली कर दीजिए, साफ कर दीजिए और 4-5 दिन के बाद पुनः आप लोग लगा लीजिएगा। हम लोग इस तरह सफाई किए हैं कि नगर निगम का आवश्यकता नहीं पड़ा, एकदम पूरा एंटायर रोड जो है हटा के फिर झाड़ू मार के साफ सुथरा करके हम लोग रखे कि हाँ माननीय उपराष्ट्रपति आ रहे हैं देश का, 4-5 दिन हम लोग ही थोड़ा तकलीफ सहेंगे। लेकिन अब 4-5 दिन बीत जाने के बाद लोग अपना अपना दुकान लगाने लगा, तो उस समय बाद प्रशासन को लेके वहाँ पहुँच गए कि दुकान नहीं लगाने देंगे, माने क्योंकि साफ हो गया इसीलिए बात साफ ही रहेगा। और हजारों लोग जो इस देश में बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे भाई? अब यहाँ मोदी जी दिल्ली में भाषण दे सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि इस देश में 140 करोड़ का देश में इतना गरीब है, कौन किस तरह से जी रहा है, खा रहा है, उससे किसी को भारत सरकार चाहे झारखंड सरकार को कोई मतलब है? तो हम लोग का कहना है, जब कानून नहीं था देश में उस समय लोग जो है रोजी रोटी करने में कोई कठिनाई नहीं हुआ, या जिला प्रशासन था, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन बराबर हम लोग को मदद करता आया है। अब कानून बन गया है पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण का अधिकार और विनियमन अधिनियम 2015 बनने के बाद, जबकि फुटपाथ दुकानदारों का चौतरफा विकास होना चाहिए था, उसका परिवार के जिंदगी में खुशहाली आना चाहिए था, वो आने के बजाय कानून बनने के बाद प्रशासन नगर निगम के देखरेख में ऐसा दबाव बना हुआ है कि शहर का आधा फुटपाथ दुकानदार अपना अपना दुकानदारी छोड़ के भाग चुके। मौके पर फुटपाथ दुकानदारों ने निगम के खिलाफ जोरदार विरोध किया, भारी आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं फुटपाथ दुकानदारों ने कहा कि निगम द्वारा कहा गया था कि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर 4 दिन तक फुटपाथ में दुकानदार लगाने को मना किया गया था। उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद पुनः दुकान लगाने का वादा किया गया था और तब उन लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकान हटा ली थी। अब जब दौरा के बाद दुकान लगाना चाह रहे हैं तो निगम द्वारा रोका जा रहा है। तमाम दुकानदार गरीब है और 4 दिन दुकानदारी नहीं होने के कारण उनकी रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। ऐसे में अगर दुकान नहीं लगने दिया जाएगा तो वह कैसे अपना परिवार चलाएंगे, बाल बच्चों का भरण पोषण
कैसे करेंगे? ये सवाल खड़ा हो गया है अब नगर निगम और फुटपाथ दुकानदार के बीच में। फैसला अभी भी सटीक नहीं है। फुटपाथ दुकानदार जो है आक्रोश में है कि वो जाए तो जाए कहाँ। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।